आप आपका फ्री में सिबिल रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर पा सकते हैं। तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपका सिबिल स्कोर चेक करने के लिए आपको सबसे पहले स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मिस कॉल देना होगा। तो फ्रेंड्स, आपका सिबिल रिपोर्ट सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है और यहाँ सिबिल स्कोर भी दिखाई दे रहा है जो कि काफी अच्छा है, 768। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल नॉलेज। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप आपका फ्री में सिबिल रिपोर्ट व्हाट्सएप पर कैसे चेक कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, आप आपका फ्री में सिबिल रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर पा सकते हैं। वो भी आपको कुछ डिटेल्स देनी होगी और उसके बाद ही आपका सिबिल रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर आ जाएगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि आप आपका फ्री में सिबिल रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप नंबर से कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर बैंकिंग लोन्स और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोज मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपका सिबिल स्कोर चेक करने के लिए आपको सबसे पहले स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मिस कॉल देना होगा। फ्रेंड्स, वह नंबर है 8287151151। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 8287151151। फ्रेंड्स, ये टेंड ही जैसे मोबाइल नंबर मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से भी नंबर कॉपी करके देनी है, ये नंबर पर मिस कॉल दे सकते हैं। और जैसे आप आपके व्हाट्सएप नंबर से इस नंबर पर मिस कॉल देते हो, अपना सिबिल स्कोर चेक करना था आपके व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा उनका सिबिल स्कोर चेक किया है। विश फ्रेंड्स, जैसे आपके नाम से आएगा, विश फिंग सिबिल स्कोर के नाम से मैसेज आता है तो उसके बाद आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम और उसके बाद आपका लास्ट नेम टाइप करना है, जो कि मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। और जैसे आप आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम के टाइप करते हो, जैसे आप वो मैसेज भेज देते हो, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से एक मैसेज आएगा जिसमें वो आपको आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। तो उसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। और फिर नेक्स्ट, जैसे आप आपका डेट ऑफ बर्थ के डिटेल्स भेज दोगे, उसके बाद आपको एक ऑटोमेटिक मैसेज आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन करेंगे कि यदि आप मेल हो तो एम टाइप कीजिए और यदि आप फीमेल हो तो एफ टाइप कीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। और नेक्स्ट, जैसे आप आपकी जेंडर सिलेक्ट कर देते हो, उसके बाद आपको एक ऑटोमेटिकली पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें आपका पैन नंबर पूछेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ आपका पैन नंबर डालना है, जो कि मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट, जैसे आप आपका पैन नंबर टाइप कर भेजोगे तो वहाँ से एक मैसेज आएगा जिसमें आपको आपका रेसिडेंशियल एड्रेस पूछा जाएगा। तो आपको आपका रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है, जो कि मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट, जैसे आप आपका रेसिडेंशियल एड्रेस टाइप कर भेजोगे तो वहां से आपको मैसेज आएगा, अंडमान एंड निकोबार के लिए AN दिया हुआ है, आप जिस भी सिटी प्रदेश के लिए AP दिया हुआ है, आपको टाइप करना है अरुणाचल प्रदेश के लिए AR दिया हुआ है, मेरा टाइप आसाम के लिए, और फिर जैसे आप के लिए BR टाइप करके भेजोगे, जो भी आप उसके बाद आपको वहां से ऑटोमेटिक शॉर्ट फॉर्म आया दिया हुआ है जिसमें आपका शॉर्ट फॉर्म टाइप करना होगा, हर एक स्टेट का शॉर्ट फॉर्म टाइप दिया हुआ है। और जैसे आप आपका स्टेट का नाम टाइप कर भेजते हो तो उसके बाद आपको वहां से मैसेज आएगा जिसमें आपको पिन कोड पूछेंगे, तो आपका जो भी पिन कोड है वो आपको टाइप करना होगा, जो कि मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। और जैसे आप आपका पिन कोड टाइप कर भेजोगे तो वहां से मैसेज आएगा जिसमें आपकी ईमेल आईडी पूछेंगे, तो आपको जैसे आपकी ईमेल आईडी टाइप करनी है और यह लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपको आपका सिविल स्कोर मिल जाएगा। और जैसे आप आपकी ईमेल आईडी टाइप कर भेजोगे तो उसके बाद आपको वहां से मैसेज आएगा जिसमें आपको यस लिख कर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ यस कर रहा हूँ। और जैसे ही आप यस लिखकर भेजोगे उसके बाद आपको वहां से मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा योर लेटेस्ट सिबिल स्कोर हैज बीन सक्सेसफुली जनरेटेड। तो फ्रेंड्स, आपका सिबिल रिपोर्ट सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। तो आपका सिबिल स्कोर चेक करने के लिए आपको यहां क्लिक करना होगा, जो कि मैं कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप वॉलिंग पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने यह स्क्रीन ओपन होगी, जो व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर आपने यूज किया है वह मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना होगा, या तो वह ईमेल आईडी जो कि आपने वह डिटेल्स में दिए वो ईमेल आईडी आपको यहाँ डालनी होगी। तो उसके बाद आपकी ईमेल आईडी या तो वह मोबाइल नंबर आपने जो भी डाला है उस पर ओटीपी जाएगी और वह ओटीपी आपको डालकर यहाँ वेरीफाई करना है। और जैसे आप वह वेरीफाई करते हो तो आपके सामने आपका सिविल स्कोर दिख जाएगा और आप देख सकते हो कि मेरे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर ओटीपी आ चुकी है। अब वह ओटीपी यहाँ डालकर मुझे वेरीफाई करना होगा, जो कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने ओटीपी डालकर लॉगिन पर क्लिक किया तो मेरे सामने यह स्क्रीन ओपन हुई है जिसमें मेरा सिबिल स्कोर दिख रहा है, जो कि आप देख सकते हो कि यह सिबिल स्कोर 16 जनवरी 2023 को निकाला हुआ है, इसलिए यहाँ लेटेस्ट सिबिल स्कोर का डेट 16 जनवरी 2023 दिख रहा है और यहाँ सिबिल स्कोर भी दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है, 768। तो आपका जो भी सिबिल स्कोर होगा वह सिबिल स्कोर आपको यहाँ दिखाई देगा। और यदि आप आपका पूरा सिबिल रिपोर्ट देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ राइट टॉप कॉर्नर पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ सिबिल रिपोर्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ अपने सिबिल रिपोर्ट पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ आपका पूरा सिबिल रिपोर्ट दिखाई देगा।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज के वीडियो में इजीली समझ में आ गया होगा कि आप आपके व्हाट्सएप नंबर से अपना सिविल रिपोर्ट फ्री में कैसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज के वीडियो में इजीली समझ में आ गया होगा कि आप आपका मोबाइल तो फ्रेंड्स आई होप आपको